Hey Gunners, I'm Gayatri. Welcome and welcome back to my channel. Gayatri Stream Garden. आपणकर जे कोनसी गछ हेउ ना काहेकि जदि सही गछरे एबुली भाबे पत्र मोडा रोग देखा जाउछि पत्रटी एबुली भाबे जाकी हेउछि किंबा गछरे कोनसी पोक मानकर अटैक हेछि जेमेतिकि जौ पोक दहिया पोक किंबा पिंपुडी मानकर मध्य अटैक हेछि किंबा अन्य कोनसी रोग मध्य गछरे देखा जाउछि ताहाले सही समस्या को आपण गछरो केमिति दूर करिवे घरे व्यवहृत हेउथिबा मात्र दुईटी जिंसरो आपण केमिति बहुत सहज रे एही समस्या गुड़िकर समाधान करें से विषय में आज सेयार करी वीडियो टी स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु वीडियो टी भल लगे गोटे लाइक कर देबे प्रथम थर वीडियो टी देखुथिले मो चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी भूलिबे नहीं ता सह पाखर जो बेल आइकन टी देखुछंती ताको मध्य प्रेस कर देबे जहां फल रे कि मो नोना वीडियो नोटिफिकेशन आपन मन पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची पारिबो तो प्रथमे त होउछि गछरे एबले भाबे पत्र मोड़ा रोग किंबा विभिन्न प्रकार पोक देखा जिबार कारण होउछि पागर परिवर्तन एटा होउछि वर्तमान रो मुख्य कारण जेहेतु वर्तमान पागर किछ न किछ परिवर्तन देखा जाउछि तो से गछरे एभली भाबे प्रॉब्लम मध्य देखा जाउछि तासह आमे गछ को जेतिकि खरा दरकार जदि सेतिकि खरा न देबा जे सेतिकि सनलाइट गछ को न देबा ताहाले मध्य एभली भाबे प्रॉब्लम देखा जाय थाय गछरे मन करंतु गोटे गछ अछि ताको 4 घंटा रा खरा दरकार आमे ताको 4 घंटा रा खरा न देकि पूरा एमिति जगह रखि देबा जेमिति से इनडायरेक्ट खरा पाइबो से भी पुनी घंटे डेढ़ घंटे रा तो ताहाले गछरे मध्य से प्रॉब्लम देखा जाय थाय तासह वर्तमान जेतु मझे मझे वर्षा हेउछि तेनु गछरे ओवर वाटरिंग रा प्रॉब्लम मध्य देखा जाउछि तो सेथिपय मध्य एही प्रॉब्लम सब गछरे देखा जाय थाय पत्रमोड़ा रोग कहतु किंबा कौन से प्रकार पोक लगे कहतु आ गछरे पिंपुड़ी कहीं था ना गछरे जो पोक गुड़िक लगे था गुड़िक खाइबापी पिंपुड़ी मानक धाड़ी छुटी थाए तो से सब प्रोब्लम को आम जब समय आगर समाधान न करवा आम गछटी पूरा मरी जाइप खराब हो जाए तो ये तो मार्केट में बहुत सारा मेडिसिन अच्छी आपको सब आणिक स्प्रे करें कि मार्केट बाला जिनस आज पर्यंत कि स्प्रे करनी पत्रमोड़ा रोग को ठीक करने आपड़ जब निम अएल स्प्रे करेंगे सात दिन को गोटे थर लेखाएं आपण पूरा बगीचा निम अएल जब स्प्रे करेंगे आप बगीचार कौन से प्रकार प्रोब्लम देखा ना पत्रमोड़ा रोग कहतु कि पोक आप गए लगे ना तो निम अएल स्प्रे आप सात दिन को गोटे थर लेखाएं करेंगे किदि ये भाव बर्तमान आप गए पत्रमोड़ा रोग देखा किंबा जौ पोक देखा जाते आप कौन करेंगे कौन स्प्रे कले आपण गु पोक सब पल सब समस्या आप गए दूर हो विषय में मुझे आपयार करी गछटी देखुचंती ये होची लैंटन हिबिस्कस रा प्लांट आ ए गछटी को एते भी खरा दरकार हे न थाए इनडायरेक्ट खरा याको दरकार से पुनी 2-3 घंटा रा किंतु ए गछटी मोर पूरा छाई रे रही जैतला जेउठी की याको इनडायरेक्ट सनलाइट मध्ये मिलु नथिला तो सेति पई एथरे पत्र मोडा रोग देखा जाईची ता सह छोटे छोटे जे धळा जो पोक अछंती से मध्ये लागिछंती तो सेति पई ए गछरा ट्रीटमेंट मु आगरो करितली आज जेउ लिक्विड बा जेउ सॉल्यूशन मु एथरे स्प्रे करबी ताको मु ए गछरो आगरो 2 थरा स्प्रे मध्ये करि सर्छि सेति पई देखि पडथिबे यार किछि पत्र भल आसी जो पत्र मोड़ी ही जाइए तो से पत्र तो ठीक हेबन किंतु जहां भी सब नुआ ग्रोथ आसो नुआ नुआ पत्र आसो से पत्र क्वालिटी भल आस तेणु किसी भी या उपरे स्प्रे आगर कि गचर कौन मेडिसिन स्प्रे आगर आमको या उपरे कि काम करने पड़ो जमीक यार जहां भी शुखला पत्र अच्छी कि पत्र अफेक्टेड हो पत्र गुड़ी काटिपर देखु मु 2-3 थर स्प्रे कलापर गचर केमती नुआ नुआ पत्र आसपा लगी किंतु जो पत्र आगर मोड़ी ही रही से पत्र एपर्त भी ठीक है तेणु आम कौन करवा प्रथम गचर से अफेक्टेड पत्र गुड़ी को आम रिमुव करने जो पत्र मोड़ी ही जाइए जो पत्र पोक लगी पत्र गुड़ी को आम रिमूव कर गछर तासह जदि आप गछटी अत्यधिक लंबा हो जाए ए क्षेत्र में आप गछ को प्रून करेंगे हालाका हालाका तार डाल गुड़ को कट करें जेहेतु मो गछटी अत्यधिक लंबा हो जाए से यार किसी डाल को काटिदेवि किंतु जदि आपण माने गछर डाळ काटिबा पई चाहू नाहंती गछ को प्रून करिया पई चाहू नाहंती ताहले किछि भी असुविधा नाही किंतु जेउ पत्र गुडीक मोड़ी हि जाइछि किंबा क्षेत्र पोक लागिछंती से पत्र गुडीक आपण प्लांट रो रिमूव करिनेबे जहां सब भल पत्र अछि ताको गछरे छाडी देबे जेउ पत्र मोड़ी हि जाइछि अफेक्टेड अछि से पत्र को आपण गछरो रिमूव करिनेबे गोटे भी खरा पत्र गछरे रखिबे नी जदि से गोटे पत्र आपण रखिबे से गोटे पत्र रे जहां सब प्रॉब्लम अछि से धीरे धीरे करके सब पत्र को माड़ी जिवो आ धीरे धीरे करके पूरा गछ को खराब कर दबो आ ता सह जे नुआ पत्र आसीबो सेई नुआ पत्र को मध्य ए प्रॉब्लम सब पळेबो आ आपण जेते एथरे स्प्रे करले मध्य मेडिसिन कोनसी काम ए करिवनी तो सेति पई एथरे जहां भी सब खरा पत्र अछि ताको आपण रिमूव करिनेबे देखंतो ए बळी भाबे म गछ को हल्का हल्का प्रून करिनै छी ता सह जहां भी सब पत्र खराब थिला से पत्र उड़ी को रिमूव करिनै छी तो एबे
गछरे जहाँ भी सब प्रोब्लेम होता है सब जिदिया था बहुत सहजरे से जानती ना तो से भावे कि गोटे थर आप स्प्रे करदे गचर से समस्या टी चली तो सेमती बिल्कुल भी नुह आपण गचर जेको प्रोब्लेम होना कहीं आपण को दुई तीन थर मिनिमम से मेडिसीन से औषध को स्प्रे करने पड़ो ताकि आप गई समस्या टी दूर हे तो देखो प्रून कर सारापर आम कौन करवा साधा पानी से भल भाव गोईदे कहीं साधा पानी धोबा ना जेहेतु बर्तमान खरा दिन धूली गचरे उड़की पड़ू तो जदि से धूली रही आम जो सब मेडिसीन स्प्रे करवा सी पत्र रंध्र को जापर ना आर कम से करेणु प्रथम आम पत्र को भल भाव साधा पानी से धोने जहां फल कि गचरे जहां भी सब धूली लगे पत्र धोईह जदि ये किसी पोक लगे से सब कि मात्रा झड़ पड़े तेणु प्रथम भल से स्प्रे कर गचर मूल पत्र डाल सबको आम भल भाव हाथ से आप घसिकी पत्र उपरपट पत्र तलपट प्रति डाल जहां सब नुआ नुआ ग्रोथ आसी सबको आप साधा पानी रे भल भाव स्प्रे करेबे चाहिए आपड़ स्प्रेयर आप ग्लास रे पानी ढाली सब सफा करेंगे ना तो गाइप साइंस से पाइप द्वारा गच्छ को भल भाव धोई पारे धोई सारापर जाए मेडिसीन स्प्रे करेंगे जदि मार्केट वाला मेडिसीन यूज करते स्प्रे करेंगे निम अएल स्प्रे करेंगे किंतु आम घर जिन यूज करके गचर यह सब समस्या समाधान करलतु देखा तो यही जिनस को प्रिपेयर करने मुझे 500 ml पानी नहीं जहाँ कि गोटे गई सफिसीयंट रपणकर अधिक कौन गचरे लगी अधिक पानी नहीं पारे तो 500 ml पानी मुझे गोटे चमच हलदी गुंड नहीं पाखे घर बाला हलदी गुंड अच्छे बहुत बढ़िया नहीं तो मार्केट बाला हलदी गुंड व्यवहार करें जदि आप कंचा हलदी अच्छे से कंचा हलदी को छेची करके पानी से भिजे दुई तीन घंटा रखिकी यूज करेंगे सी सब बेस्ट रहा कि डालचीनी पाउडर मुझे गोटे चमच डालचीनी पाउडर मुझे जदि आपखे घर वाला डालचीनी अच्छे तार गुंड करके बेस्ट रही मार्केट वाला पाउच वाला डालचीन व्यवहार करुछंती सी एतटा इफेक्टिव रहिबो नाही तो सेतिपई आपण जो काठ थाए डालचीन जो काठ ताकु आनी घरे तार पाउडर करके यूज करिपरिबे एही दुईटी जिनस को पानी दे प्रथमे भलो भाबे आमे मिक्स करिनेबा मिक्स करि सल्ला परे जे कोनसी जिनस सहायरे आपण घोडी नेबे घोडी कि गोटे छाई जगह रे आपण एको रखि देबे पाखा पाखी घंटे एको रखि देबे चाहिले आरो अधिक समय मध्ये एको रखि परिबे 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पर्यंत मध्ये रखि परिबे अति बेसी रे 12 घंटा पर्यंत रखि परिबे ता ठारु अधिक समय बिल्कुल भी रखे ना जदि अधिक समय रखे ये गछ उपर खराब प्रभाव पकेब तेणु मुझे भल भाव मिस कर गोटे घंटा पर्यंत या घोड़ी छाई जगह गोटे रखीदेवि गोटे घंटा पर प्लांट मान यूज करेकोण प्लांट मान यूज करें फूल गछ फल गछ कि पनीपरिया गछ यूज करें इंडोर प्लांट मान व्यवहार करेंगे ना कहीं ये जेहेतु पूरा कड़ा होता है इंडोर गछ मान पूरा जाड़ीदेव तार पत्र को पूरा जाड़ीदेव तेणु इंडोर गच मान छाड़ी आप बाकी सब गच गुड़ व्यवहार करें देखो तो गोटे घंटा पर पानी भल भाव मिक्स इतने जहां भी सब गुण थिला ये पूरा पानी रे भल भाव मिसी जाइए तो एबे याको आमे प्लांट मान यूज किंतु डायरेक्ट याको यूज करें कहीं जब आप स्प्रे बोटल या भरवे जो छोट छोट दाना थी सी जो स्प्रे बोटल जो मुह अच्छी से लगे और स्प्रे बोटल पानी बाहर ना स्प्रे बोटल टी खराब हो तेणु प्रथम आम या छाणी ने गोटे कपड़ा साहय ना तो यह पतला छणा साहय प्रथम छाणी ने जहां फल जहां भी सब खदड़ा अंश अच्छी जहां भी सब बड़ बड़ पार्ट अच्छी से सब अलग तापर या आम प्लांट्स मान यूज कर देखो ये भाव या छाणी की अलग कर लिक्विड को तो एबे याको आमे प्लांट्स मान यूज करें गोटे स्प्रे बोटल भरी ने जदि स्प्रे बोटल ना जमीक कहली जेकोस गोटे ग्लास साहय गचर ढाड़ी व्यवहार करें कि तार जो पत्र रत डाल रुआडे लिक्विड टी पड़ा निहत दरकार तेणु आप हाथ में मझेरे मझेरे सब पत्र आड़े घसी ने ग्लास ढाणतु कि स्प्रे बोटल ढाणतु आते स्प्रे बोटल लिक्विड को भरुँच ध्यान देबे जमती कि स्प्रे बोटल उपर कि अंश खाली रहिबो जदि आप पूरा बोटल को फुल करेंगे लिक्विड टी बाहर ना तेणु बोटल उपर कि बाट
ଫାଙ୍କା ରଖିକି ଆପଣ ହି ଲିକ୍ୱିଡକୁ ଭରି ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗଛ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିନେବେ। ଗଛର ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ହି ଲିକ୍ୱିଡକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିନେବେ। ପ୍ରତିଟି ପତ୍ରରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ପ୍ରତିଟି ଡାଳରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ପତ୍ରର ଉପର ପାଖ ତଳ ପାଖ ସବୁ ପଟରେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ତା ସହ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହାତରେ ଘଷି ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପତ୍ରର ପ୍ରତିଟି ରନ୍ଧ୍ର ଭିତରେ ଇଏ ପଶିବ ଆଉ ଇଏ ଭଲ ଭାବେ କାମ କରିପାରିବ। ଯାହାଫଳରେ କି ଏଥିରେ ଯାହା ବି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ପତ୍ର ଆଗକୁ ଆସିବ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ପତ୍ର ଭଲ ଆସିବ, ଗୋଟେ ବି ପତ୍ର ଆଉ ମୋଡ଼ା ଆସିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଯଦି ଏ ଗଛରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯୌ ପୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦହିଆ ପୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ତା ସହ ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି ଏହାକୁ ଆପଣ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗଛର ଯେଉଁ ମାଟି ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇବେ ସେ ମାଟିରୁ। ଏହି ଲିକ୍ୱିଡ଼କୁ ଆପଣ 5-7 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଥର ସ୍ପ୍ରେ କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଛରେ ଫରକ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବେ 5-7 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ 3 ଥର କିମ୍ବା 4 ଥର ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ତାହେଲେ ଏହି ଗଛରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ ସେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ସହ ଖାଲି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ତ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କ ଗଛକୁ ଯେତିକି ସମୟର ଖରା ଦରକାର ଆପଣ ଗଛକୁ ସେତିକି ସମୟର ଖରାରେ ରଖିବେ। ତା ସହ ଗଛକୁ ଓଭରୱାଟିଂ ହେବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଦେବେନି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆପଣ ଯଦି ପାଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଗଛ ଉପରେ ପାଲ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ପାଣିରୁ ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହୋଇକି ରହିବ। ତ ଏଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗଛରେ କି ପତ୍ର ମୋଡ଼ା ରୋଗ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋକମାନଙ୍କର ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟିର ସେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ମେଡିସିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରୁ। ତ ବାସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ଲଗାଉଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହାପି ଗାର୍ଡେନିଂ, ଟେକ୍ କେୟାର। ଆଉ ଏହି ଜିନିଷଟି ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ କାମ କଲା କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ଆସି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ମୁଁ ତ ଏହାକୁ ରେଗୁଲାର ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ଗଛରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ମୁଁ ଏହି ଜିନିଷକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିସାରିଛି ଆଉ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ